बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल संभालिए 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 अरे ऐसे झूले कोई फैला के रखता है क्या? कितनी बार पड़ोसी को कहा लेकिन कोई माने सामना और वो बेअक्ल सेक्रेटरी कितनी बार उसे कंप्लेन की लेकिन नो एक्शन। मैंने सुना है कि सेक्रेटरी को किसी ने जूता फेंक के मारा। सही किया, जिसने भी किया वो है ही जूते खाने के लायक। आंटी प्लीज आप मेरे पापा के बारे में ऐसा मत बोलिए। ओ तुम उनकी बेटी हो तो जाके अपने पापा को बोलो कि ऐसे लोगों को जो जूते चप्पल रास्ते में बिखेर के रखते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही जूते खाता रहेगा। आंटी रिलैक्स। आंटी पापा मुझे उन आंटी पर गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि वो आपके लिए ऐसा बोल रही थी, लेकिन पापा वो आंटी सच भी तो कह रही थी। तक्को अंकल सच में उनके फ्लोर पे ना उनके नेबर्स ने इस तरीके से फुटवेयर फैलाया है कि कोई भी उनमें उलझकर गिर सकता है और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है। हाँ अंकल, आंटी कह रही थी कि उन्होंने आपको कंप्लेंट भी की थी पर आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक मिनट, अब नाम क्या बताया तुमने उनका? मिसेस करुणा दीक्षित, सी विंग के सेकंड फ्लोर पर रहती है। मिसेस करुणा दीक्षित, एक मिनट, करुणा दीक्षित। अरे हाँ ये तो वही है जिन्होंने मुझे 2-3 बार कंप्लेन भी की थी और ये लेटर भी दिया था। ओ माय गॉड, ये मैं भूल कैसे गया? इसीलिए वो बोल रही थी कि आपको ऐसे ही जूते पड़ते रहने चाहिए। जूताबाजी का है को करे रे, जूताबाजी का है को करे रे, जूता किसने मारा। सी विंग 203, मिस्टर एंड मिसेस थॉमस, मेरी यानी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा की आपको स्टिक बॉन्डिंग है। और आप लोग भी सुनिए, अब से कोई भी लॉबी में जूते चप्पल नहीं रखेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे भारी दंड भरना पड़ेगा, समझे आप लोग? यही रूल है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। सॉरी। थैंक यू मिस्टर जोशीपुरा, आपने सबको वार्निंग दी और आई एम वेरी मच सॉरी मैंने बिना वजह आपको भला बुरा कहा, लेकिन क्या करती, मैंने इतनी कंप्लेंट्स की लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मिसेस दीक्षित गुस्से का मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पर जूता फेंक कर मारे। जूता? नहीं, मैंने कोई जूता फेंक के नहीं मारा। इनफैक्ट उस वक्त तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी, मैं यहाँ पे थी नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि किसी ने आपको जूता फेंक के मारा। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने ऐसे किया ही नहीं। ओह माय गॉड, अगर इन्होंने भी जूता नहीं मारा तो जूता मारा किसने? झलक क्या कर क्या रहा है तू? वो देखो भाई, स्कैन कर रहे हैं कि किसके मन में दूसरा जूता छुपा हुआ है। ओ राजेश भाई, आप बैठे बैठे मेरा मजाक क्या उड़ा रहे हैं? देखना उस जूता फेंकने वाले को मैं ढूंढ निकालूंगा। चारा को वाला जालम। ओ राजेश भाई एक मिनट, आप हंस क्या रहे हैं? ओ माय गॉड, क्या हुआ? ओ माय गॉड, अरे एक मिनट यहाँ बैठिए, संभालिए। ओ माय गॉड, क्या हुआ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक मिनट, वो
माय गॉड, ओ माय गॉड, नो। ये शराब की बोतल इधर कैसे फेंकी? ओ माय गॉड, तिवारी फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जल्दी। ओ माय गॉड, जल्दी लाइए तिवारी जी। तिवारी क्या हुआ? तिवारी अभी के अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करो और पता लगाओ किसने गार्डन में बैठ के शराब पी है। मैं उसे सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा। ओ माय गॉड। लेकिन साहब गार्डन का एक भी सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है। ये बात तुमने मेरे से पहले क्यों नहीं बताई तिवारी? साहब कितनी बार कहा साहब से पर साहब सुनते ही नहीं है। मैंने पिछली बार इनसे कहा कि साहब सीसीटीवी खराब है तो इन्होंने मुझे डांट दिया। बोले कि तिवारी छोटी छोटी बातों पे मुझे परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। व्हाट? ऐसा करके साहब मुझे डांट दिया, सबके सामने हमारा अपमान कर दिया साहब इन्होंने। कौन होगा वो निकोड़ा जिसने? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। डक्कू भाई प्रणाम बाद में कीजिएगा। आपने बिल्डिंग में जो पेस्ट कंट्रोल कराया था वो ढंग से नहीं हुआ है, आपको फिर से कराना पड़ेगा। कीड़ियों पे चूहे दौड़ रहे हैं, अगर कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्षमा करना भाभी, पर आप तो जानती है ना कि मैं आपकी किसी बात को कभी नहीं टालता हूँ। वरना भाभी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस बार मैंने खुद उनके सर पे खड़े रखकर सारा काम करवाया है। प्लीज आपको कोई गलतफहमी हुई है? राकेश इलाई के साथ खेलना बंद करो और जाकर सीढ़ियों पे चूहे पकड़ो। जाओ। इसीलिए परम पूछ दिया बन्ना भाभी ने। आपने सोचा भी कैसे कि मैं ये कर सकती हूं? ऐसा ख्याल भी कैसे आया आपके मन में? चूहे की वजह से आप सीढ़ियों से ऐसे धड़ाम करके गिरते हुए नीचे आए तब आया ना ये ख्याल आपके मन में? हाँ बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं एक पैटर्न, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। व्हाट? अच्छा तो एक कमर के पीछे गर्म पानी की थैली क्यों रखी है तूने? आधे घंटे से सिक्योरिटी ले रहा है झलर। हर्षद जाने दीजिए ना, बेचारे वैसे ही शर्मिंदा है ना? हाँ ज्योति भाभी शर्मिंदा तो मैं हूँ क्योंकि परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी की पेस्ट कंट्रोल की रिक्वेस्ट को मैंने अनदेखा किया। पर बन्ना भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज ही पूरी बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल करवा दूंगा। पर बन्ना भाभी सच सच बताइए, आपने ही मुझ पर जूता फेंक कर मारा था ना? दक्कू भाई मैं मानती हूं कि उस दिन मैं आपसे नाराज थी पर इस तरह की घटिया हरकत नहीं करूंगी मैं। एंड बाय द वे दक्कू भाई मैंने भी शिकायत की थी आपसे कि सीढ़ियों पर वो एंटी स्किड पट्टियां लगा दीजिए ताकि कोई फिसल कर ना आए। आपने मेरी भी एक नहीं सुनी। कंप्लेन तो की थी आपने। क्या आप ये सोच रहे कि मैंने आपको जूता फेंक कर मारा था? अरे मैं आपके सामने बैठा था ना बंदूक के पीछे। अरे ये क्या देखा नहीं था क्या? और दूसरी बात मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि फोन पर मैं और हर्षद भाई बात कर रहे थे। तो फिर ये जूता मारा किसने? दक्कू भाई, ओ दक्कू भाई प्लीज अपनी इज्जत छोड़ दो यार। सीरियसली क्या
वो जूता मारने वाले को पकड़ने के चक्कर में ना एक तो आपने आपकी पीठ की बैंड बजा दी और दूसरी बात ये जो जिद है ना आपकी कि मैं तो नंगे पांव ही चलूंगा नंगे पांव ही चलूंगा उस चक्कर में आपके घाव में धूल मिट्टी जा रही है वो अलग। लेकिन राजे में एक बात आपने नोटिस की क्या? क्या जिसने भी इसको जूता मारा है ना वो सोसाइटी का शुभ चिंतक रहा होगा। कैसे? देखो जिस दिन से इसके थोबड़े में जूता पड़ा है उस दिन से नंगा चल रहा है। ए बटर क्या बोल रहा है तू? अरे नंगे पांव चल रहा है मतलब। हाँ तो आप देखो वो जो काम ये निगलेक्ट कर रहा था वो अपने आप फटाफट हो रहे है कि नहीं? हाँ नहीं नहीं ये बात मेरी भी नजर में आई थी। वो शायद जूता मारने वाला ना ये कहना चाह रहा ओ सेक्रेटरी साहब तो ये ना मेंबर्स के जूते में पैर डालकर देखो कि हम लोग कहाँ और कितने परेशान हो रहे हैं। हाँ। ओ राजेश भाई ऐसी गलतियां जिंदगी में मेरे से पहली बार हो रही है। ओ माय गॉड और ऐसी बात है ना तो उस जूता फेंकने वाले को बोलो कि कभी सेक्रेटरी के जूते में पांव डालकर देखे तब उसे पता चलेगा कि सेक्रेटरी का जॉब कितना मुश्किल है। ओ माय गॉड मैं झालर लेकिन वो जूता फेंकने वाला मिलना भी तो चाहिए ना। हाँ, उसे पकड़ेंगे कैसे? मिल क्या हुआ पैर में दर्द हो रहा है? मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? ऑपरेशन सिंड्रेला। सिंड्रेला क्या? ये एंटर ऑपरेशन सिंड्रेला सिंड्रेला व्हाट? अरे जिस तरह सिंड्रेला की स्टोरी में एक राजकुमार के पास था एक जूता और उसे ढूंढनी थी सिंड्रेला और सिंड्रेला को ढूंढने के लिए वो शहर की हर लड़की को जूता पहना पहना के देख रहा था और उसी तरह सुई प्रशन हाइट सोसाइटी का ये राजकुमार कल सोसाइटी के हर मेंबर को जूता पहना पहना कर देखेगा और जिस मेंबर को वो जूता फिट आया मैं उसे ऐसा फिट करूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। तो कल शुरू होगा ऑपरेशन सिंड्रेला। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.